जय जिनेंद्र, वेलकम टू कुक विद चेतना। आज हम बनाने जा रहे नींबू का अचार। तो उसके लिए मैंने 7 नींबू लिए हैं और 10-12 हरी मिर्च लिए है, वो भी कम तीखे वाले। अब इसे हम धो के अच्छे से कपड़े से पूछ के ले लेंगे सभी नींबू को, और हरी मिर्च को भी डंडे निकाल के उसको भी पूछ के ले लेंगे। इसमें पानी ना रखें आप बिल्कुल। अब इसके एक नींबू के 4 पार्ट करेंगे और उसमें ये बीज है वो सब हम निकाल लेंगे। और हरी मिर्च के भी 1 के 2 या 3 भाग करेंगे। अब हम एक पॉट में कांच वाला बर्तन लेंगे, उसमें हम नींबू और हरी मिर्च को ले लेंगे और दोनों को मिक्स करके उसमें हल्दी 1 चम्मच भर के हल्दी और थोड़ा ज़्यादा नमक लेंगे और अच्छे से मिक्स करके ढक करके पूरे 2 दिन के लिए रखेंगे। 2 दिन तक इसे रहने देंगे। आज समझो किया है तो कल शाम को। अब 2 दिन हो चुके हैं तब इसको हम दूसरे पॉट में लेंगे और केपरे का जो नींबू मसाला आता है वो हमने डाला है 2 टेबलस्पून भर के, और इसे पहले मिक्स कर लेंगे। और एक कांच का जो बोतल होगा बड़ा वाला उसमें हम इसे पहले सब भर लेंगे। और राई तेल रहता है वो कच्चा ही हम डालेंगे। आपको गर्म करके डालना हो तो गर्म करके, ठंडा करके भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से इसे हिला के अब इसे हम ढक्कन देके 2-3 दिन तक रखेंगे। रेडी है, यम्मी और टेस्टी और खाने में बहुत अच्छा लगता है नींबू का अचार। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना।